हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाइन इक्विटी। कैसे दोस्तों आप सब लोग। तो गैस आज हम बात करेंगे आज के लाइव क्रूड मार्केट के बारे में। अभी भी लगभग 4-4.5 घंटा बचा हुआ है क्रूड ऑयल मार्केट को ख़त्म होने के लिए, और कल के प्रेडिक्शन के बारे में हम बात करेंगे। बट गैस अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि आपको डेली अपडेट्स मैं दे सकूँ। और कुछ भी अगर कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो गैस अब बात करते हैं आज के जो 4 घंटे बचे हैं उसके अंदर क्या ट्रेड ले सकते हैं। तो गैस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल, 8600 पे ट्रेड कर रहा है। अगर 8600 क्रॉस हुआ ना, कहीं ना कहीं 8800 फिक्स है, 8800 क्रॉस हुआ 9000 फिक्स है, ठीक है। बट गैस याद रखना, जब तक 8600 के ऊपर मार्केट प्रॉपरली सस्टेन नहीं होता है तब तक कोई लेवल बाइंग का नहीं लेगा। हाँ ये है कि 8500 के ऊपर मार्केट बाइंग ही होगा, बट एक इम्पॉर्टेंट स्मॉल रेजिस्टेंस भी है 8600 का। 8600 क्रॉस हुआ 8800 फिक्स है, 8800 क्रॉस हुआ 9000 फिक्स है, ठीक है। तो अब कल के लिए क्या ट्रेड लेंगे हम, कल के लिए ट्रेड यही होगा जो उसका सपोर्ट बनेगा 8500 का, जो रेजिस्टेंस बनेगा वो होगा 8600 का, होगा स्मॉल रेजिस्टेंस होगा 8600 के। फिलहाल अभी ट्रेड कर रहे हैं 8600 के ऊपर, अगर जैसे क्रॉस होकर और सस्टेन करता है मजबूत, मतलब मजबूती की तरफ, जैसे बोलते हैं ना अंबुजा सीमेंट से बना हुआ दीवार, वैसे 8600 के ऊपर जाता है तो अच्छा खासा हम बाइंग मूवमेंट देख सकते हैं, जिसका टारगेट होगा 8800 का और 9000 का होगा, ठीक है। तो कल के लिए क्या स्टॉप लॉस लेके चलना है, कल के लिए क्या टारगेट लेना है। अगर 8600 के ऊपर आपका मार्केट कल के दिन में ओपन होता है, सस्टेन होता है, तो स्टॉप लॉस होगा 8500 का, टारगेट होगा 8800 का और 9000 का, ठीक है। अगर कल के दिन में मार्केट 8500 के नीचे ओपन होता है तो स्टॉप लॉस होगा 8500 का और टारगेट होगा 8200 का, ठीक है। मतलब 8500 के नीचे ओपन होता है, सपोज कल के दिनों में मार्केट 8450 पे ओपन हुआ तो आपको वहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करना है, टारगेट रखना होगा 8200 का, स्टॉप लॉस रखना होगा 8500 का, मतलब 50 पॉइंट का सिर्फ आपको स्टॉप लॉस रखना होगा, ठीक है। समझ में आया गाइस, ये मेरा एनालिसिस है कल के दिनों के लिए। और गाइस मैं जो भी एनालिसिस बताता हूँ प्योरली टेक्निकल में बताता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट इन ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेटेड रहती है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो अगर गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, अगर आपको कुछ इश्यू हो तो मैं आपको रिप्लाई करके अपडेट दे सकूँ, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद, शुक्रिया।